ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर के सदर थाना इलाके की काशीराम कॉलोनी में रहने वाली हिंदू युवती ने काशीराम कॉलोनी में ही रहने वाले समुदाय विशेष मुस्लिम के युवक आरिश पर छेड़खानी करने, अश्लील पंक्तियां कसने व अपहरण की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। युवती व उसके परिजन दबंग युवक व उसके साथियों से इस कदर डरे हुए हैं कि उनका घर से निकलना दुर्भर हो गया है। पीड़ित युवती व उसके परिजनों का कहना है कि स्थानीय थाने व चौकी में कई बार शिकायत दर्ज करवाई मगर पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। पीड़ित परिवार अब एसपी सिटी की शरण में पहुंचा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व अपनी सुरक्षा की मांग की है। काशीराम कॉलोनी की रहने वाली युवती सिमरन व उसकी मां सरिता का कहना है कि बीती 22 तारीख बकरीद के दिन समुदाय विशेष के युवक ने उनके घर के बाहर गंदगी डाली थी, जिसका विरोध किया गया तो आरोपियों ने उनके साथ दबंग गई दिखाए और नौबत मारपीट तक आ गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। उस दिन के बाद से ही आरोपी युवक आरिश अपने साथियों के साथ मिलकर सिमरन का उत्पीड़न कर रहा है। स्कूल व ट्यूशन जाते वक्त उससे छेड़खानी की जाती है और अश्लील पंक्तियां कसने के साथ साथ अपहरण करने व बदनाम करने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित परिवार ने सदर पुलिस से कई बार शिकायत की मगर पुलिस ने अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। वहीं इस मामले में एसपी सिटी राजेश कुमार का कहना है कि युवती के शिकायत पत्र को थाना सदर भेजा गया है और जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बाजार के काशीराम कॉलोनी से कल एक पीड़िता जन सुनवाई के दौरान एक प्रार्थना पत्र दी थी, जिसमें उसका कहना था कि पड़ोस के लड़के उसको परेशान करते हैं। इस संबंध में उसके प्रार्थना पत्र को एसएचओ सदर बाजार को आवश्यक कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा भेजा गया है और उसमें जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। सरिता राम कॉलोनी से पूरा ये है, अख हम दुखी होकर आए हुए हैं। 22 तारीख से हमारी गिल लड़ाई हुई हुई थी इतने एक दिन बाद मुंडन लोगों से, और वे लोग हमारे पे इतने हावी हो रहे, हम बाहर निकलना भी महाभारत हो रहा, हम अपने बच्चों को भी और हम अपने गेट भी खोलना महाभारत वो हो गया, हम गेट भी खोल नहीं सकते। कौन शादी करेगा बताओ, कौन करेगा हमारी लड़की से? के पी सिंह से वो भेजी व्हाट्सएप कराया है, हम 22 तारीख से भागे फिर रहे लेकिन हमारा कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। तो पुलिस को सुनवाई नहीं कर रही अभी कुछ नहीं, हमने चौकी में भी गए, हम सदर थाने में भी रिपोर्ट लगवाई, हमने हर जगह लगवा दी, हमने वकील हट हट कर लिया दोबारा। अब बताओ हमारे पास कार्रवाई कुछ नहीं हो रही, हमारे पास पैसे कहाँ था होगा इतना। श्री राम कॉलोनी से सिमरन, हमारे घर के जो सामने मुंडन लोग रहते हैं ना, वो हमारे साथ में छेड़खानी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो हमें मार